तो बांग्लादेश पर जहां भारत की भी नजर है, साथ ही साथ यूएन ने भी शांति बहाल करने का यहां पर अपील की है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कहना है कि वहां की जनता ही फैसला करेगी वहां का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा। कानून और लोगों की इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश पर ये बयान देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक हो अंतिम सरकार, कानून और लोगों की इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। दो तस्वीरें आपके सामने, हिंदू मंदिरों में कैसे तोड़फोड़ की गई है ये देखें, जरा वहां पर हालात देखिए, समझिए कि हिंदू मंदिरों को भी यहां पर नहीं बख्शा जा रहा है और अमेरिका की भी इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। जैसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देती हैं, उसके बाद यहां के हालात और भी ज्यादा बदलते जाते हैं और पीएम हाउस में बवाल की तस्वीर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए पीएम हाउस में कैसे प्रदर्शनकारी कब्जा जमाए हुए हैं। यहां पर आसान नहीं होता है कि पीएम हाउस तक यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, अंदर किस तरह से बवाल मचा रहे हैं आप देखिए। और दूसरी तरफ आज स्कूल भी खोले जाएंगे बांग्लादेश में, तो ये स्थिति है वहां की। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार बांग्लादेश से खबर सामने आ रही है। और आप देखिए ढाका में शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू गिरा दिया गया है। उपद्रवियों ने अपने राष्ट्रपिता को भी नहीं बख्शा, बांग्लादेश क्रिकेट कप्तान के घर को जला दिया गया। भारत में ही शेख हसीना फिलहाल मौजूद है, यूके से अब तक शरण को मंजूरी नहीं मिली है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है क्योंकि शेख हसीना के लंदन जाने की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यूके से अब तक शरण को मंजूरी नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बांग्लादेश की तस्वीर से भी रूबरू करा रहे हैं जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू भी गिरा दिया गया। ये उनके राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता को भी नहीं बख्शा जा रहा है, प्रदर्शनकारी कुछ इस तरह बेकाबू हो चुके हैं। और ये दो तस्वीरें सुलगते बांग्लादेश की देखें, किस तरह से वहां आगजनी तोड़फोड़ की ये तस्वीरें सामने आ रही है। जून के आखिरी महीने से ही यहां पर देखें किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है और खिलाड़ी के घर में भी आग लगा दी गई है। ये दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जहां बांग्लादेश क्रिकेट कप्तान के घर को जला दिया गया है, यानी कि किसी का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। और यहां पर हक की लड़ाई तो साफ नजर आ रहा है कि हक की लड़ाई तो अब रही नहीं गई है, मानो यहां पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालांकि लगातार पूरे जुलाई से ही ये प्रदर्शन सड़कों पर जारी रहा और इससे आप पहला समझ सकते हैं कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस से ये प्रदर्शनकारी लगातार भिड़ते रहे, पुलिस लगातार इन्हें रोकने का प्रयास करती रही, लेकिन इससे आप समझिए कि क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है। लगातार आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है, घरों को जलाया जा रहा है, बांग्लादेश के क्रिकेट कप्तान का घर जला दिया गया है और वहां के राष्ट्रपिता का पुतला भी गिरा दिया गया है, पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया गया है। तो ये तस्वीर मानो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आरक्षण की मांग से उठी आग कहां तक पहुंच चुकी है आप देख सकते हैं कि हिंसा की आग में पूरा बांग्लादेश झुलस रहा है और राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का ऐलान कर दिया है। पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और फिलहाल भारत से किसी और देश में राजनीतिक शरण के इंतजार में है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की रिहाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं और इधर अमेरिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अंतरिम सरकार की गठन की बात कही है। आखिर सवाल यह है कि ये किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है बांग्लादेश। खास रिपोर्ट देखिए। हिंसा, आगजनी और बवाल के बाद आखिरकार बांग्लादेश में वही हुआ जिसका डर था। बंदूक की नोक पर सेना ने बांग्लादेश में प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और कमान अपने हाथों में ले ली। चार बार के प्रधानमंत्री शेख हसीना को महज 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया और फिर आनन फानन में शेख हसीना ने पहले तो पीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिया और फिर बोरिया बिस्तर समेटते हुए सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के पास आ पहुंची। वहीं बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का ऐलान कर दिया
सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी, तो वहीं अमेरिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक अंतरिम सरकार के गठन की बात की। पिछले दो महीनों से जारी आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग ने बांग्लादेश में पूरी सियासी तस्वीर बदल दी। पीएम को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जान बचाने के लिए देश तक छोड़ना पड़ा। शेख हसीना भारत में ही हैं और सूत्रों के मुताबिक स्थायी शरण के लिए उन्हें यूके सरकार से मंजूरी का इंतजार है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग किस कदर फैल चुकी थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदर्शन के दौरान 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। पीएम हाउस में जमकर पार्टी की, संसद में घुसे, मनमानिया की, बतख मुर्गी तक ले उड़े और तो और बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता कहे जाने वाले की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। क्रिकेट कप्तान के घर को आग के हवाले कर दिया गया और ना जाने कितने ही वाहनों को फूंक डाला गया। वहीं बड़ी तादाद में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में करीब 8% आबादी हिंदू मंदिरों की है और इस उथल पुथल में वो सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई शेख हसीना के फैसले को जिम्मेदार मान रहा है तो कोई युवाओं के आंदोलन को, तो वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश के हालात बिगाड़ने में मदद की। बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो तैनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। पाकिस्तान इस तरह की काम जरूर कर सकता है। इन सब के ऊपर जो आग में घी पड़ा होगा वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं लिया इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी एम्बिशन जग गई कि यस, इस समय एक वो सिचुएशन बनती जा रही है जहां आर्मी चीफ अपना पर्सनल एजेंडा और आर्मी एज सच ओवरऑल एजेंडा को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकती है। शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेशी सेना ने 10 सदस्यीय सरकार के गठन का ऐलान किया है। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया और कहा कि 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाएंगे। नई सरकार आर्मी चीफ के नेतृत्व में ही बनेगी। सेना बांग्लादेश में शांति बहाल करेगी। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने कहा कि हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है, हिंसाग्रस्त इलाकों में भी सेना की तैनाती की जा रही है। सेना का दावा है कि आज से बांग्लादेश में कर्फ्यू खत्म हो जाएगी और स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। आरक्षण पर संग्राम, सेना ने गिराई सरकार। बांग्लादेश में गदर, तख्ता पलट के आखिर कितने प्लेयर। दरअसल आरक्षण के खिलाफ 2 महीने से प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में बवाल कर रहे थे, जिससे ये हिंसक आंदोलन चल रहा है।